सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थियों का जीवन मंगलमय हो, आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, यही मेरी कामना है। और मैं हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहूंगा कि मैं यहाँ तक आया हूँ, आपको दो बात कहने का मुझे मौका मिला है, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शिखर संस्थान की तरफ से शिक्षक दिवस पे दो अपने लाइनें हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में है, जीवन के बारे में दो शब्द कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, लगभग आप सबको पता भी होगा। पहले बात करूँ मैं, आज ही के दिन 5 सितंबर को सबको पता है कि शिक्षक दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 5 सितंबर से की गई थी। शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ। सर कोई बात नहीं, लेकिन कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था भाई 1962 से, क्योंकि सर्वप्रथम 1962 में भारत के द्वितीय सेकंड जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में बता दूं आपको, इन्होंने 1962 से पहले भारत में ही जो उपराष्ट्रपति है वो इस प्रेसिडेंट उसके पद के रूप में भी कार्यरत रहे, लेकिन 1962 में पहली बार ये राष्ट्रपति बने। और अपने जीवन काल में पहले बात करें, लेकिन भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो बने डॉक्टर राधाकृष्ण जी या सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। उनके दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने कहा कि अब तो आप राष्ट्रपति हो गए हैं तो आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको मेरा जन्मदिन मनाना है तो किसी की याद में या शिक्षक दिवस या बच्चों को प्रेरणा के रूप में मनाया जाए। तो तब से उनका जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने नोट कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो जन्मदिन है भाई वो 1962 की बात है, जब सर्वप्रथम राधाकृष्ण पहली बार भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका निवास स्थान उस समय दिल्ली हो गया था, राष्ट्रपति भवन में उनका रहना था। उनका दोस्तों का कहना था कि उनका जन्मदिन जो आता है 5 सितंबर को उसको धूमधाम से मनाया जाए। तब से लेकर आज तक हर साल 1962 से लेकर अब तक उनका जो जन्मदिन है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अपने जीवन में खूब अच्छे काम भी किए हैं, किताबें भी लिखी है इन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया है, पूर्वी जो भाषा है अपनी या पूर्वी इंडिया के जो है कल्चर है उसके बारे में लेकर उनको वहाँ जागरूक किया है, उनके लिटरेचर के रूप में कार्य किया है, उनकी ट्रांसपेरेंसी भी इन्होंने की है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन हर साल 1962 से लेकर आज दिन तक मनाया जा रहा है, आगे भी मनाया जाएगा। इससे पहले बात करूं मैं, 1952 से लेकर 62 तक, 1952 से लेकर 62 तक दो बार ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, और पहली बार 1962 से लेकर 1967 तक, 1962 से लेकर 67 तक ये इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। और 1962 से आज तक मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रकृष्ण जो है राधा कृष्ण जी है कलकत्ता में विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी और नैतिक विज्ञान के किंग चार्ज पंचम चेयर रहे हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ विश्वविद्यालय में पूर्व धर्म और नैतिकता के स्पेलिंग चेयर है, इन्होंने अपनी भाषाएं बताई है। इसके अलावा इनके पुरस्कारों की बात करूं तो 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार, 1973 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानदा सदस्य हामिल हुई है, और 1931 में नाइटहुड का पुरस्कार भी मिला है। यहाँ तक कि मैं कुल मिला के बात करूँ तो डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जो जीवन था शिक्षा को समर्पित था, उन्होंने कई अवार्ड लिखे मिले उनको, कई शिक्षा के संबंधी कार्य किए, राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, उपराष्ट्रपति पद पर रहे, इसमें उन्होंने बहुत प्रेरणास्रोत कार्य किया। भारत में ये एक दार्शनिक राजनीतिज्ञ और राजनेता के रूप में प्रखर छवि रखने वाले युवा मैं कह दूँ सभी साथियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए हम इनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी आपको शिक्षक दिवस राधा कृष्ण जी के बारे में, तो मुझे लगता है सबको आपको बतानी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, और सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।